अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज था हमारा ग्रॉसरी डे और हम आए मैक्रो। अब ये भाई साहब हमें कह रहे थे सवजीखा, अब हम अंदर आ चुके हैं। मैंने सोचा कि आज मैक्रो चाह रही हूँ तो एक छोटा सा व्लॉग भी इसके साथ साथ बना लिया जाए। ये देखें जी, बस अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। ये पूरा एक प्लास्टिक सेक्शन है, यहाँ हर तरह की हर चीज़ इजीली अवेलेबल होती है, आपको जो चाहिए। मुझे बच्चों के लिए स्टूल चाहिए थे तो मैं इस तरफ आ गई। और ये बच्चों का सबसे फेवरेट सेक्शन है, यहाँ आपको हर तरह का स्नैक्स मिलेगा जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये आशा अज़लान जो हैं ये अपनी दुनिया में मस्त हैं, इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे हैं, मम्मा से छुप छुप के जो चीज़ समझ आ रही है अपनी ट्रॉली में रखेंगे ये लोग, और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे मामा को दिख ही नहीं रहा। ये लोग अपने दुनिया में मस्त थे तो मैंने सोचा मैं जो है जब तक अपनी वेजिटेबल और फ्रूट सेशन में जाके अपना काम ख़त्म कर लूँ। यहाँ जो है एकदम जो है फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। और मतलब पूरा वीक चलता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ यहाँ बहुत साफ़ सुथरी और प्रॉपर उसमें रखी भी होती है। बस अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब मुझे याद आया कि मैंने प्याज तो लिया नहीं है, मैं यहाँ से अपने प्याज लूँगी। उसके फ्रूट एंड वेजिटेबल के बिल्कुल बराबर में ये सेक्शन है, यहाँ सारा फ्रोज़न आइटम आपको इजीली अवेलेबल होगा। प्राउन्स, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। उसके बाद हम इसके ही बराबर में एक सेशन है, ये पूरा जो है फ्रोज़न सेशन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ योगर्ट, फ्राइज, नगेट्स, हॉट डॉग और हर चीज़ यहाँ है अवेलेबल। उससे थोड़ा सा ही हम बल्कि इसी सेशन के कोने पे जो है वो चिकन रखा हुआ होता है। अब मुझे याद आया कि सुबह का नाश्ता भी साथ साथ ले लिया जाए, तो बस मैं अब इनकी बेकरी सेशन में आ गई। अब मेरा हो गया है काम ख़त्म, अब हम करवाएंगे अपनी बिलिंग और अपने घर की तरफ हम चले जाएंगे। ये अब हम बिलिंग की लाइन में लगे हुए हैं, अब हमारी बिलिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।